हाँ तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। आपके अपने बीपीसी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। देखिए अगला वीडियो ये आ चुका है आप लोगों का। ये सेक सीध करना है आपको, सीध करने वाला यानी पूछेगा ये क्वेश्चन तो 5 नंबर में पूछेगा। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम, तो सीध करें कि साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन बटा एम स्क्वायर प्लस वन, यानी इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना दिया है, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम दिया हुआ है। तो आप लोगों को सिद्ध करना है कि साइन थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस है एक बटा एम स्क्वायर प्लस वन। इस दोनों इस एलएचएस लेकर चलिए या आरएचएस लेकर चलिए, दोनों में से कोई एक लेकर चलना है और आपको एक ला देना है। एलएचएस लेकर चलिएगा तो आरएचएस लाना है, आरएचएस लेकर चलिएगा तो एलएचएस लाना है। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पर लिख दीजिए, एक दिया है। तो क्या दिया है जी, तो दिया है कि सेक थीटा आप प्लस टेन थीटा बराबर में एम, बराबर में एम दिया है। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है तो कि साइन थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस वन बटा एम स्क्वायर प्लस वन। तो हम आरएचएस से चलेंगे, किससे चलेंगे, आरएचएस। क्यों, क्योंकि हमारा एम यहां पर है और एम का मान हमारा यहां पर दिया हुआ है, इसलिए हम आरएचएस से चलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि आर एच एस से, आर एच एस से। तो आर एच एस में क्या है जी, तो आर एच एस में है कि एम स्क्वायर माइनस वन बाटा में एम स्क्वायर आ प्लस वन। अब देखिए एम स्क्वायर माइनस वन, तो एम के जगह पर क्या है, एम के जगह पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो लिखिए एम के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका क्या है, स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर करिए। अब देखिए माइनस वन है तो लिखिए माइनस वन, बाटा में भी एम के जगह पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा आप प्लस में टेन थीटा। इसका भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर दीजिए, यहाँ पर प्लस वन है तो यहाँ पर भी प्लस वन दीजिए। अब देखिए ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, दोनों को ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर आप प्लस में बी स्क्वायर आप प्लस टू ए इंटू बी, माइनस वन है तो माइनस वन लिख दीजिए। फिर बाटा में चलिए, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो भी ऐसे ही हो जाएगा, सेम इसी ऊपर वाले की तरह ही, सेक स्क्वायर थीटा आप प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप प्लस टू इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पर प्लस वन है तो प्लस वन लिखिए। अब देखिए आप यहाँ पर ब्रैकेट देके लिख सकते हैं कि किस पे टूटा है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटा है, जिसका सूत्र होता है कि ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर आप प्लस टू ए बी, ये इस पे टूटा है, ये आप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लिखने से टीचर समझता है कि नहीं ये स्टूडेंट को मालूम है तभी तोड़ा है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन दिया हुआ है, तो एक सूत्र आपको मालूम होगा, एक सूत्र सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता था, एक सूत्र हमने बताया था। देखिए यहाँ पर सूत्र हम आपको बता रहे हैं, आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, वन होता है। यदि सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस वन है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस वन, और इधर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस वन के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसके और इसके बदले इस दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या है इसके बाद, तो टेन स्क्वायर थीटा, तो लिखिए कि टेन स्क्वायर थीटा, एक मिनट रुक जाइए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस टू इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए ये माइनस जो है, ये माइनस जो है इसका यहाँ पर अब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन के बदले ही हम क्या लिखे हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिखे हैं। अब आगे देखिए क्या करेंगे, आगे आप ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस वन है, तो देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा आप माइनस वन रहता तो टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, लेकिन अब तो ये बैठ नहीं रहे, तो देखिए तो ये एक और इधर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक का प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बदले में हम क्या लिख सकते हैं, एक का प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एक का प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए नीचे
नीचे दिया है कि एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तो दिया ही है कि सेक स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा हो गया ना, अब प्लस टू इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसमें देखिए इसमें आपका क्या कॉमन है जी, नहीं इसको पहले सबसे पहले इसको एक का एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, तो लिखिए कि टू टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए बाटा में भी जोड़िएगा तो वन वन टू यानी टू सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये देखिए तो इस दोनों में ऊपर वाले में क्या कॉमन है, तो देखिए तो दिया हुआ है कॉमन क्या दिया हुआ है, तो कॉमन आपका दिया हुआ है इस दोनों में टेन कॉमन है और टू कॉमन है, टू टेन कॉमन है तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। देखिए कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा टू टेन थीटा, तो अब यहाँ पर टेन थीटा एक कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा एक टेन थीटा बचा, तो यहाँ पर एक टेन थीटा लिख देंगे प्लस यहाँ पर टू टेन थीटा कॉमन हो गया तो क्या बचा है सेक थीटा, तो लिख दीजिए सेक थीटा। अब देखिए बाटा में भी दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में सेक टू और सेक थीटा दोनों में क्या कॉमन है टू सेक थीटा, तो यहाँ पर ले लीजिए कॉमन टू सेक थीटा और ब्रैकेट में क्या बचा, तो यहाँ पर बचा सेक थीटा और यहाँ पर प्लस में क्या बचा टेन थीटा। तो ये देखिए तो ऊपर नीचे टेन थीटा प्लस में है, यहाँ पर भी टेन थीटा प्लस में है, यहाँ पर सेक थीटा प्लस में है, यहाँ पर भी सेक थीटा प्लस में है, यानी ये दोनों क्या है सेम है, तो यहीं पर कट जाएगा दोनों सेम है क्योंकि टेन थीटा भी प्लस टेन थीटा भी प्लस सेक थीटा भी प्लस सेक थीटा प्लस दोनों सेम है, तो सेम है तो क्या हम इसको आगे लिख सकते हैं, इसको भी आगे लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते थे कि टेन थीटा अब प्लस सेक थीटा नहीं लिख सकते थे, तो कट नहीं जाता दोनों सेम हो गया तो कट गया। अब क्या आपका बचा है टू टू, टू टू भी कट जाएगा आपका क्या बचा है टेन थीटा बटा सेक थीटा। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए यही ना बचा था कि टेन थीटा और सेक थीटा, तो टेन थीटा और सेक थीटा जो बचा है तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा और सेक थीटा का लिख सकते हैं एक बटा कॉस थीटा। तो देखिए तो चार गो है तो ये कट जाएगा, इससे ये आपका यहाँ पर क्या बचा साइन थीटा बटा वन, तो हर किसी के बटा में वन होता है यानी साइन थीटा आपका बचा यानी इक्वल टू आपका एल एच एस आ गया, एल एच एस आ गया तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर एच एस इक्वल टू एल एच एस प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा एकदम हो बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बस सूत्र आपको याद होगा तो सूत्र पर बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा सिद्ध करने वाला सूत्र पर ही आता है। और आपने देखा कि हमने इसमें ज़्यादा सूत्र नहीं, दो सूत्र का प्रयोग हुआ एक ए प्लस बी के होल स्क्वायर का और एक प्रयोग हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा उसी पर ना टूटा जी उसको तोड़ तोड़ के, तो इसमें मात्र दो ही सूत्र का, आप दोनों सूत्र याद कर लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम बता भी दे रहे हैं ए और प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और एक सूत्र आप याद कर लीजिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये दोनों सूत्र पे ही ये मैच सिद्ध हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ पाए। वीडियो दो तीन दिन से नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं था और लाइट भी हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बरसात में, और गवर्नमेंट के तरफ से जो नेटवर्क था उसका भी प्रॉब्लम था, तो बहुत सारा प्रॉब्लम के कारण हमारा वीडियो आप सबके सामने नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ आप कोशिश करेंगे डेली आपको वीडियो मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।